तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एमसीबी सजा के रखे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पिन लगा दिए। देखिए काफ़ी आसानी तरीके से यहाँ पर हो जा रहा है। और एमसीबी में आपको पता ही है, एमसीबी में वैक्स, तो इसको जो हम लोग लास्ट वाले पॉइंट पे लगा देते हैं और यहाँ पर एमसीबी को ऑन कर देते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि हम आपको हाय एवरीवन, एक और नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज का टॉपिक दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये हमारा थ्री फेस का एमसीबी बॉक्स है। और ये जो हम लोग आज के टॉपिक में आपको बताएंगे, ड्रेसिंग करना और एमसीबी कैसे तरीके से चयन किया जाता है और कौन कौन से रूम पे कितने एम्पियर का लगाया जाता है, आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। और आपको एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पर हमारा थ्री फेस का है, देखिए RYB, तो RYB का बैलेंस कैसा बांटा जाता है आज की वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे। दोस्तों वीडियो पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कमलेश इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चल दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हमारा एमसीबी बॉक्स है और ये देख सकते हो, आपको स्टार्टिंग से दिखाने वाले थे, पहले उस दिन नाइट को काम किए ना, तो ये ड्रेसिंग पहले से हल्का सा कर दिए। आपको डिटेल समझा देते हैं क्या हुआ। देखिए यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ना, तो अपने को जल्दी चाहिए था काम, तो यहाँ पर एमसीबी का ड्रेसिंग नहीं हुआ, तो हम लोग टेम्परी कैसे दिए, यहाँ पर देखिए एक दो वायर लेके आए, माइनस प्लस दे दिए और एमसीबी लगा के घर का टेस्टिंग करके सभी स्विच बोर्ड बैठा दिए। यहाँ पर देखिए स्विच बोर्ड बैठ चुका और लाइट भी ऑन हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ड्रेसिंग करना है, यहाँ पर केबल टाई लगाना है अपने को। ये देख सकते हो यहाँ पर केबल टाई लगा हुआ है, ये हमारा 100 mm, 150 mm, 200 mm ज़्यादा यूज होता है। हम लोग यहाँ पर 150 mm का केबल टाई यूज किया गया है, ठीक है। तो सबका सर्किट देखिए कैसे बनाया है। सबसे पहले हम लोग को अर्थिंग वाला, देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर अर्थिंग का है, ये 1 mm वायर, ये 1.5 mm का वायर है, ठीक है, 1 mm नहीं सॉरी, यहाँ पर 1.5 mm का वायर, ये अर्थिंग का ग्रीन वाला। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो है आपको न्यूट्रल वाला बताता हूँ, यहाँ ब्लू और ब्लैक, ये 2.5 mm का है, पूरा सर्किट गया है। और उसके बाद देखिए, ये हम लोग जो है थ्री फेस का काम कर रहे हैं ना, तो कलर कोटिंग में वायर हुआ। देखिए आर वाला हमारा एक फेस का सर्किट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेंशन भी किया गया, आप देखिए कैमरामैन फोकस करिए, देखिए आर होल गीजर एसी आर वाला फेस का, तो ये ऐसा ना अपने को मार्किंग करना है, ठीक है। तो ये मार्किंग वाला जो स्टिकर भी आता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक टेप लेते हैं और उसमें मार्कर पेन में लिख देते हैं। आप भी ऐसे लिखोगे ना, तो आपको ड्रेसिंग करने के लिए काफ़ी आसान होगा और एमसीबी लगाने के लिए काफ़ी सुविधा होगा। तो देखिए एक सर्किट पे हम लोग जो कितने एमसीबी लगाएंगे, यहाँ पर टोटल है 5 है ना, तो हम लोग 5 लगाएंगे, तो ये आर वाला हो गया। उसके बाद वाई वाला, देखिए वाई वाला टेप लग गया, वाई वाला का सर्किट बन गया, देखिए वाई हॉल, यहाँ पर वाई एसी है, वाई रूम है, तो ये अलग अलग सर्किट में ना एक सर्किट में सब बनाया गया है, तो ये दूसरा फेस हो गया। उसके बाद तीसरा वाले फेस में देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्किट 5 है, तो 5 एमसीबी इसमें लगेगा एसपीएन का, और तो ये ब्लू वाला बी मतलब, ठीक है। तो सभी में ऐसा काउंट करके हम लोग थ्री फेस का कनेक्शन बनाया गया है। और ये देख सकते हो जितना भी वायर है ना, अभी हम लोग इसको ड्रेसिंग करने वाले हैं। और मेन लाइन हम लोग यहाँ पर देख सकते हो 6 mm के वायर पे लिए गया है, ये रेड वाला हमारा फेस, उसके बाद येल्लो वाला, ये बी वाला ब्लू वाला, उसके बाद ग्रीन जो है हमारा अर्थिंग रनिंग अर्थिंग, ये हमारा डबल टेप जो लगा है ना, ये हमारा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल को हम लोग जो है डायरेक्ट एमसीबी पे नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्ट अपने को बस बार पे लगाना है। यहाँ पर बस बार देख लो, ये बस बार है। तो चलो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, उसके पहले आपको एमसीबी दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एमसीबी सजा के रखे हैं और ये देखिए आपको बताते हैं थ्री फेस का कैलकुलेशन कैसे किया गया। आप देख सकते हो आर वाले फेस में एक रूम का, गीजर का, एसी का और डाइनिंग एसी का, उसके बाद जो है हॉल का गीजर, और ये देखिए हॉल के पास सीढ़ी एरिया का पॉइंट, तो ये पूरा सर्किट बना दिया गया है। 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 25 एम्पियर एसी में लगाएंगे, गीजर में 10, रूम पे 10, गीजर में हम लोग 16 और रूम पे 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए हॉल पे हम लोग एसी जो लगा रहे हैं ना, 2 AC बैठ रहा है, तो ये हमारे को देखिए अलग अलग, ये रूम का है, पहला नंबर रूम का एसी है, उसके बाद डाइनिंग के पास एसी है। तो ये देखिए सर्किट कैसे बनाया गया, ये हमारा आर वाला का है, तो ये 25, 2 AC के लिए, एक हमारा हो गया गीजर के लिए एक, उसके बाद देखिए सबका
पर्सनल एम्पियर बना के यहाँ पर डाला जा रहा है और ये कनेक्शन अलग अलग, ठीक है। तो देखिए दो हमारे गीजर दो चल रहा है यहाँ पर, तो दो 16 एम्पियर का, दो एसी चल रहा है दो, उसके बाद दो हमारा जो है यहाँ पर देखिए ये रूम का एक 10 एम्पियर, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारा हॉल और सीढ़ी एरिया के लिए ना 10 एम्पियर। तो ये हमारा सर्किट ओके हो गया आर वाला। उसके बाद वाई वाले पे आ जाते हैं। वाई वाले में देखिए यहाँ पर पहले 10 नंबर ये देखिए रूम का है, रूम का 10 एम्पियर, उसके बाद गीजर, सभी का इसी तरीके से प्लान हुआ है। और ये देखिए आपको एक एमसीबी यहाँ पर और है, ये हमारा टीपीएन, ये खाली टीपी है, ठीक है। टीपीएन नहीं, टीपीएन इसलिए यूज नहीं करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कारण क्या है, ठीक है। तो ये आपको बताऊँगा वीडियो में, वीडियो पे बने रहिए, आपको बताएंगे टीपी और टीपीएन में क्या होता है, उसका मतलब आपको बताऊँगा क्या प्रॉब्लम होता है। तो चलो हम इसका जो है पहले हम लोग ड्रेसिंग कर लेते हैं। जितना भी वायर दिख रहा है आपको यहाँ का एमसीबी इधर देखें, तो देखिए दोस्तों जितना भी वायर है अभी हमारा ड्रेसिंग बचा हुआ है, तो हम क्या किए अभी हम लोग इसको अच्छे से ड्रेसिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। ड्रेसिंग करने का तरीका भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको चेक कर लेना कहां पर न्यूट्रल है और कहां पर अर्थिंग है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे अर्थिंग को ड्रेसिंग करना। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर से ऐसे चिपकाते हुए लेके आना है, ठीक है। और ये देख सकते हो इस तरीके से लेना है इसको, और ये देखिए यहाँ पर लाने के बाद जो है ना, इसको लाने के बाद देखिए यहाँ पर अपने को मेजर लेना है, एक को मेजरमेंट लेना है, उसके बाद जो आसानी से ये सभी मेजरमेंट हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके से मेजरमेंट लिए ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सभी को एक साथ लेना है मेजरमेंट। तो हम क्या करेंगे इसको अच्छे से और एक बार सेटअप ले लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से बारीकी से सभी का वायर को ऐसा ट्विस्ट करना है हल्का हल्का, उसके बाद मेजरमेंट लेके इसको कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ पर जितना भी वायर है हम लोग लाइन से एक एक करके लेते हुए जा रहे हैं, और इसको जो हम लोग को केबल टाई लगा देना है, काफ़ी आसान हो जाएगा केबल टाई लगा देंगे तो। तो हम इसमें केबल टाई बैठा देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है सर्किट कैसे बनाएं इस तरीके से, इसको मेजरमेंट ले लिए और इसको हम लोग को कटिंग करते जाना है, ठीक है। ये हमारा मेजरमेंट हो चुका है और ये कटिंग हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से सबको बना दिए अपन, और ये केबल टाई को भी काट देते हैं अभी, ये हमारा सर है। उसके पहले आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले एक पिन, एक टूल्स है हमारे पास, तो उसमें हम लोग यूज करने वाले ये पिन को, ठीक है। तो ये अपना सबसे पहले वायर अभी हम लोग छील लेते हैं, इसका पीवीसी बाहर कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक और टूल्स के बारे में बताएंगे वायर। देखिए दोस्तों ये पिन हम लोग यूज करने वाले हैं, और ये पिन को कैसे यूज करते हैं काफ़ी आसान है। ऐसा वायर जब हम लोग पीवीसी का कटिंग किए ना, वहाँ पर हम लोग उसको निकाल दिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास है हैंड क्लिपिंग टूल्स, ठीक है। ये देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर क्लिप करते हैं और इसको प्रेस करते हैं और ये क्लिप हो गया, ठीक है। इसका यूज क्यों करते हैं आपको बताएंगे, एक और वीडियो डाला है हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो इसका क्या यूज होता है, किसके कारण इसको लगाया जाता है। तो इसी तरीके से सभी को हम लोग क्लिपिंग कर लेंगे यहाँ पर। बात देखिए दोस्तों ये हमारा हेड क्लिपिंग टूल से हम लोग क्या किए, यहाँ पर सबको क्लिपिंग कर दिए, ठीक है। तो ये क्लिपिंग करने का मतलब क्या है आपको बता देता हूँ, ये पिन में ना काफ़ी आसानी से हमारा जो है वर्क होगा। और ये देखिए जो इलेक्ट्रिकल काम के लिए मैं बोल रहा था ये वाला, देखिए कैसे काम आएगा यहाँ पर, ये नट को खोलना है और काफ़ी आसान तरीके से ये पिन जो है चले जाएगा, देखिए। और ये वायर रहता तो वायर को घिसते ना तो ये ख़राब हो जाता, तो इसी तरीके से हम लोग जो है ये पिन को यूज करते हैं। तो अभी हम लोग देखिए जितना भी पिन है उसको हम लोग अच्छे से टाइट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे करना है। तो सभी को इसी तरीके से अपने को जो है पिन लगा देना है और उसके बाद क्लिप कर देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रल हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे बस बार पे लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एमसीबी में लगाने के पहले हम लोग अर्थिंग लगाएं, उसके बाद जो है न्यूट्रल लगा रहे हैं यहाँ पर, और आपको बताते हैं किस तरीके से। यहाँ पर हम लोग वायर को मेजर ले लेते हैं और कटिंग करते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको बताएंगे इसको कहाँ पर लगाना है, इसको लगाना है बस बार पे। तो देखिए दोस्तों हम लोग जो है अर्थिंग के लिए जो पॉइंट यूज किए थे यहाँ पर 1.5 mm का वायर था, अभी हमारे पास 2.5 mm का ब्लू वाला है, तो ब्लू वाला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर पिन।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी हम लोग पिन लगाए ये हम लोग न्यूट्रल पे कनेक्ट कर दिए। उसके बाद देखिए इसको कैसे बनाए, उसी तरीके से इसको भी अभी हम लोग बनाने वाले हैं। तो इसको काफ़ी आसान है, इसको ऐसे रखना है और ये देख सकते हो ऐसे तरीके से वायर को ऊपर ले जाना है, ठीक है। ये जो है पिन इस तरीके से ये बन जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर UPS का वायरिंग पॉइंट करेंगे UPS के लिए और सर्किट MCB सबको बैठाएंगे यहाँ पर। अभी MCB बैठाने का काफ़ी सिंपल तरीका है, आपको दिखा देते हैं कैसे तरीके से ये बैठेगा। यहाँ पर इसको रखना है ऐसा, और ये लॉक पॉइंट को पहले ध्यान देना है, इसको ऊपर लेना नहीं है, इसको नीचे से लेना है, ऐसा प्रेस करना है बस, ये लग गया। उसी तरीके से इसको भी बैठाना है, सेम प्रोसीजर है, लंबे से ऐसे प्रेस करना है, ये ऐसा बैठ जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से ये लॉक हो जाएगा। पॉइंट ऊपर में लॉक नहीं होगा तो हल्का सा लॉक कर लेंगे। ये हमारा वाई, ये आर वाला हुआ, इसके बाद वाई वाला है, एक साथ अभी बैठा के देखते हैं बैठता कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, MCB हमारा सेटअप हो गया, यहाँ पर 6 MCB बैठा, उसके बाद ये वाई वाले पे, उसके बाद बी वाले पे, यहाँ पर मेन MCB, ठीक है। ये हमारा TP, ठीक है, TP खाली बैठा है यहाँ पर, और हम अभी वायरिंग करने वाले हैं। तो ये हमारा सर्किट वायर है आर वाले फेस का। तो हम यहाँ पर पहले, सबसे पहले हम लोग को मेजर ले लेना है। मेजरमेंट लेने के बाद जो है इसको जो है कैसे बनाएंगे आपको देखेंगे पूरा डिटेल, और इसको फिनिश करते हुए जाना है। और यहाँ पर पहले वाले MCB पे मेजरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। मेजरमेंट लेने के बाद जो है ना, ये MCB का जो है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर जो है MCB में यहाँ पर मेजरमेंट लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 एम्पियर का है तो हम लोग रूम देखेंगे कितने एम्पियर का कौन से पे देना है। तो सबसे पहले प्लानिंग करना है, उस हिसाब से अपने को सब सेटअप करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पिन लगा दिए और हैंड क्लिंपिंग टूल्स कर लेते हैं। यहाँ पर सभी को करना है, बिल्कुल एक भी वायर हम लोग नहीं छोड़ने वाले अभी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन और आउटपुट लिखा रहता है, और ये लोड लिखा है, ये लाइन लिखा है, ठीक है। तो हमारा जो है आउटपुट ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम ऊपर की ओर अभी कनेक्ट करने वाले हैं जो आर वाला फेस का जितना भी वायर है। आप देख सकते हो ये टोटल 6 पॉइंट बन रहा है सर्किट, तो 6 का 6 अभी हम लोग जो है यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वायर को सेटअप कर लिए, उसके बाद है इसको जो है हम लोग को मेज़र जो है लिए थे उसको अच्छे से कर लेते हैं। तो देखिए एक एक करके, पहले हम लोग 10 एम्पियर पे पॉइंट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा वाला हमारा जो है ये पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर रूम का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग जो है मार्किंग कर दिए हैं कौन कौन से पे कहाँ डालना है। उसके बाद गीजर पे जा रहा है होल का, ठीक है। उसके बाद अभी दूसरा नंबर एक और गीजर है अपने पास, वो गीजर का पॉइंट जा रहा है, 2 गीजर इसी में आ रहा है, और 1 AC यहाँ पर, 2 AC देना है यहाँ पर, ठीक है। तो सभी को एक एक दो दो AC हम लोग यहाँ पर बांट दे रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो लोड सेक्शन का ये पॉइंट लग गया है। तो फुल टाइट कर लेना सभी को, बिल्कुल लूज कनेक्ट नहीं रखना है। ये देखिए एक बार और टेस्ट कर लेते हैं, और हो गया। ये इसी प्रकार का सभी को अभी हम लोग ड्रेसिंग करने वाले हैं, आउटपुट का कर लेंगे, उसके बाद आपको एक UPS का और इनपुट आउटपुट कैसा करते हैं। काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था MCB बॉक्स पे ना UPS का वायरिंग कैसा करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत करना, आपको डिटेल बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मार्किंग किए हम लोग पेन पे लिखे हैं जो मार्कर करके, तो हर सर्किट का लिखने का कारण ये है। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग MCB लगा रहे हैं ना, तो फाइनली हम लोग डिसाइड करके लगा रहे हैं कौन सा MCB कहाँ पर लगेगा, कितने mm का वायर और कहाँ पर पॉइंट जा रहा है, आप देख सकते हो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रूम बाई पूरा मार्किंग करते हैं, कहाँ का वायर कहाँ से आया है। तो उसको जो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो हमारे MCB बॉक्स पे आते हैं ना, तो उतना समय अपने को वायर को जोड़ने के लिए काफ़ी आसान होता है। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से अभी सबको कनेक्ट कर रहे हैं अपन। तो सबको वायर को लिखने का रीज़न ये है, MCB पे 100% पता चल जाएगा कौन सा वायर कहाँ पर है और किस तरीके से ये लगाने का अपने को रूम पर चेक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पिन लगाने का
फायदा ये है, तो ये देखिए लगाने के बाद क्या होता है, हमारा जो ये जो है पिन खुलता नहीं बिल्कुल, यहाँ पर फुल टाइट रहता है। और अभी हम लोग इसको फुल टाइट कर लेते हैं सभी को, और उसके बाद देखिए जितना सारा पिन है सब पिन वाला यूज किए यहाँ पर। और ये देखिए काफ़ी सुंदर भी दिख रहा है यहाँ पर फिनिशिंग, यहाँ पर टेप लगाना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर छूने से भी अपने को शॉक नहीं लगेगा। तो आप भी जाके ये जो टूल्स हैं ना आप परचेस कर सकते हो, काफ़ी शानदार। तो देखिए दोस्तों यहाँ का हमारा सर्किट पूरा हो गया। उसके बाद आपको एक और बात बताना भूल जा रहे हैं, यूपीएस का वायरिंग कैसा करते हैं, काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ। ये 1.5 mm का सर्किट है, सभी जगह का पॉइंट का जो है सर्किट है। और ये देखिए ये यूपीएस का आउटपुट वायर है, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पर इनपुट भी है आउटपुट भी है, और ये जो है सर्किट जो हमारा रूम तरफ से आ रहा है वो है। तो लाइन चार्जिंग के लिए यूपीएस के लिए भी सेपरेट दिया गया, यहाँ पर देखिए यूपीएस लाइन जा रहा है चार्जिंग के लिए, और ये जा रहा है आउटपुट के लिए, ये आउटपुट रहेगा। और ये MCB 10 एम्पियर का बैठाए हैं, उसमें ज़्यादा लोड रहता है नहीं एम्पियर हम लोग का, 10 एम्पियर दिए हैं। और ये सेटअप करके ये मेजरमेंट लेके यहाँ पर सिंगल MCB में बैठा देंगे, और सभी वायर को ट्विस्ट कर देंगे पैरेलल। तो चलो इसको करने के बाद आपको बताते हैं। तो देखिए ये वाले जो अपने वायर है ना सभी को एक साथ करना है, इसके लिए तो हमारे पास पिन तो नहीं है, हम देखते हैं 10 mm का पिन होगा तो यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे और इसको क्लिंप कर देंगे और अच्छे से ट्विस्ट। तो देखिए यहाँ पर पिन मिल गया 10 mm का, तो यहाँ पर जो है अच्छे से पॉइंट करते हैं इसको। और तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा था, वायर ज़्यादा हो गया ना तो बाहर दिख रहा था, तो हम टेप लगा दिए उसके, ग्रिप कर दिए, इसको फुल टाइट कर देना है। ये देखिए ये हो गया फुल टाइट, और ये देखिए इस तरीके से ये MCB बैठ गया और इसका वायरिंग। तो देखिए यहाँ पर UPS का आउटपुट वाले तो कर देंगे, यहाँ पर एक पॉइंट डालना है, तो कहाँ से डालेंगे, ये जो पॉइंट बच रहा है ना उसी को अपने को ये UPS का आउटपुट वाले जो सॉकेट से आता है ना इसको डालना है, मेजर ले लिए और इसको कटिंग करके यहाँ पर पॉइंट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग पॉइंट कर दी UPS का जो है हमारा ये आउटपुट वाले जो पॉइंट है MCB, तो सभी यहाँ पर आउटपुट वाले लाइन सेपरेट हो चुका। उसके बाद देखिए RY और ये हमारा V का जो हमारा MCV पे लेके आएंगे, और इसका मेन लाइन यहाँ पर है आप देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे न्यूट्रल कनेक्ट करना है, यहाँ पर बस बार के ऊपर 20 सेंटर पे पॉइंट करेंगे, ये डबल 6 mm का वायर है तो एक एक पॉइंट बस बार में देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जो है न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए बस बार के बीचों बीच सेंटर, अर्थिंग भी कर दिए, उसके बाद 3 वायर बच गया है। तो ये 3 वायर को कहाँ बैठाना है, यहाँ पर MCV है, ठीक है, ये टीपी में अभी हम लोग को बैठाना है, इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। मेजरमेंट लेने के बाद जो है यहाँ पर अपने को मेजरमेंट लेके इसको कनेक्ट करके डिसकनेक्ट कर देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपने को बस बार बैठाया नहीं गया और इसका आउटपुट जोड़ा नहीं गया, तो ये सब कुछ होने के बाद आपको बताते हैं उसको जोड़ने का तरीका क्या करेंगे, लूपिंग करेंगे वायर से। तो क्या ये हमारा 6 mm का वायर है, इसके लिए कितने mm का हम लोग पिन यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 mm के लिए यहाँ पर येल्लो वाला है, तो हम सोच रहे हैं अपने को ये 6 mm का जो है येल्लो वाले यूज करेंगे, यहाँ पर टोटल 3 है तो ये 3 यूज करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो येल्लो कलर का जो हमारा क्लिप किए हैं तो उसमें क्या है RY V का नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर टेप तो मार्किंग किए, अपने को यहाँ भी करना है, तो ये देखिए इस तरीके से इस जगह पर एक रेड वाले में रेड लगा देते हैं। तो देखिए काफ़ी आसान है, नीचे पर हम लोग जो है इनपुट कर रहे हैं जो 6 mm का वायर है अपना, तो इसको ढीला कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पर पॉइंट कर देते हैं पहले वाले में R, ठीक है, दूसरा वाला। तो देखिए दोस्तों एक पॉइंट और बचा है, तो इसको जो हम लोग लास्ट वाले पॉइंट पे लगा देते हैं, और यहाँ पर न्यूट्रल नहीं दिए, न्यूट्रल बस बार पे गया है, ठीक है। तो ये तीनों फेस का हो गया अपना, पॉइंट कर दिया इस तरीके से, केबल टाई लगा के इसको फिनिशिंग कर दिए। और अभी हमारा क्या बच गया आप बताइए, क्या बचा है, सबसे मेन टॉपिक वाला तो बच गया, यहाँ पर जो हम लोग को लगाना है क्या वायर लूपिंग करना है तो कुछ लगाना है। तो दोस्तों ये आपको बता देता हूँ जो कंपनी वाले लोग में अपने को क्या मिलता है, 3 फेस का रहेगा तो तीनों वायर मिलेगा हमारे को लूपिंग करने के लिए, आप देख सकते हो लक्स लगा रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर बस बार का जो हमारे को टर्मिनल रहता है ना MCV को लूपिंग करने के लिए, तो इस तरीके से जो है तीनों फेस का जो है तीनों सर्किट के लिए यहाँ पर 6 टर्मिनल वाला पॉइंट मिलता है, तो इसको लगाना काफ़ी आसान है। तो चलो हम आपको लूपिंग करना सिखाते हैं, काफ़ी सिंपल है।
तो सर्किट के हिसाब से देखिए हमारा जो SPN जो MCB है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 MCB है, तो ये सबको यहाँ पर खोल लेना है। उसके बाद काफ़ी आसान है, यहाँ पर पॉइंट कर देना नीचे वाले टर्मिनल पे, ये हो गया। उसके बाद अपने को जो है ना इसको टाइट कर लेना है, तो आपको बता देता हूँ यहाँ से अपने को वायर लूपिंग करना है, तो उसके लिए हल्का सा भी टाइट कर रहते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे एक एक करके। तो देखिए ये वायर इसके साथ मिला था, फिर आपको बता देता हूँ ये रेड नहीं है, ठीक है, ये ब्लू वाला बी वाला वायर है, क्योंकि अपने को एडजस्ट करके लगाना पड़ेगा वायर के हिसाब से ना, अपने को जो है उसको बैठाना पड़ेगा। तो ये देखिए ये ब्लू वाले जो है, फिर ये रेड फेस है वायर, ये ब्लू है, फिर ये अपना जो है रेड फेस है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर MCB पे अच्छे से फुल टाइट कर लेते हैं। ये हमारा एक सर्किट रेडी हो गया और इसको फुल टाइट कर दिया। देखो यहाँ पर जो येल्लो वाला है ना, उसमें रेड लगा रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन होगा, फिर उधर ध्यान मत दीजिए। पहले तो जो हम लोग पॉइंट के बारे में जो बता रहे हैं उसको मेन ध्यान दीजिए। यहाँ पर जब भी आप MCB बैठाते हो ना, तो पहले सर्किट के बीचों बीच एरिया में डालना, ताकि ये बैलेंस बना रहे, ठीक है। कहीं भी आप कुछ भी काम करते हो ना, तो बैलेंस का ज़्यादा दरकार रहता है, तो उस हिसाब से अपने को बीच सेंटर में डालना है। 5 MCB है, तो कम से कम 3 वाले में डाल दो, उसके बाद इधर इधर सेपरेट हो जाएगा, तो टोटल 3 MCB रहेगा। तो सेपरेट यहाँ पर बीच पे डाल दिए हम लोग, और उसके बाद येल्लो वाले पॉइंट जो है यहाँ पर रेड आ रहा है, तो ये जो है यहाँ पर अच्छे से फुल टाइट कर लेते हैं। और ये पहले से कंपनी वाले में ना लक्स लग के मिलता है अपने को, और विदाउट कंपनी रहता ना, तो इसमें जो है पत्ती मिलता है खाली नॉर्मल, और इसको फुल टाइट कर देना। ब्लू वाले में हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक का वायर लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो वायर है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी बीच सेंटर में लेते हैं और इसको फुल टाइट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी वाला जो टर्मिनल है, ब्लैक वायर यूज किए हैं। आपको वायर पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि आपको वायर जो है इसका बैलेंस के हिसाब से बनाया जाता है। देखिए ये रेड वाला वायर है जो ब्लू लगा है, ये वाई वाला है रेड लगा, ये ब्लू वाला है तो उसमें ब्लैक लगा है, तो ये वायर मेजरमेंट के हिसाब से लगाया जाता है। नहीं तो हम 6 mm का वायर को, टुकड़ा वायर को काटते हैं और इस तरीके से लगाते हैं। अपने पास लक्स लगा हुआ है तो क्यों इसको करेंगे, क्योंकि अपने को तो उससे कोई काम है ही नहीं। तो हमारा जो है ये मैनेज हो गया, और ये देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से भी लुक दिख रहा है, आप देख सकते हो पूरा सर्किट। और यहाँ का फिनिशिंग आप देखिए कैसा आपको नज़र आ रहा है, इतना मेहनत किए खड़े होकर, करीब अपने को करीब 1.5 घंटा लग गया इसको तैयारी करने में, तो काफ़ी सारा मेहनत लगा। उसके बाद जो है 100% ये सक्सेस हो चुका, और अभी हम लोग पूरा सबको डब्बे पे अभी नाम लिखे ना, वो कवर पे नाम लिखना। इसका कवर भी काफ़ी मस्त है, आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसका कवर काफ़ी शानदार है, और ये पॉलीकैप का जो है MCB बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और इसके अंदर ये डबल डोर है। आपको बता देता हूँ ये कांच से बाहर से दिखने वाला आइटम है, बाहर से रिव्यू आएगा MCB जीरा है कि नहीं पता चल जाएगा, नहीं तो ये पैक रहता है। उसके बाद देखिए इसके अंदर देखिए काफ़ी मस्त है और शानदार भी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टिकर चिपकाएंगे, और तो देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टिकर चिपका दी हम लोग RYV का। तो अभी हम क्या करेंगे, घर वाले को बुलाएंगे, उसी के हिसाब से अपने को नंबर वाई नंबर लिखवाना है। अपना तो लिख दिए, फिर उनको समझा देंगे, अपने हिसाब से अपना रूम का नाम लिखेंगे और ये सेटअप। तो उसके पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पर हमारे जो काम हो चुका है पूरा ऑलमोस्ट, और MCB उठाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये TP को उठाएँगे, उसके बाद UPS का हमारा इन्वर्टर कनेक्शन, और ये देखिए जितना भी कनेक्शन है सबको ऑन कर देते हैं एक एक करके, ठीक है। इसको ऑन करते चलते हैं और पहले चेक कर लेंगे सर्किट जा रहा है नहीं तो कहीं प्रॉब्लम रहता है, दोबारा अपने को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर टेस्टर लगा के सबको चेक कर लेना है, सब सर्किट में सप्लाई जा। तो देखिए एक UPS का बचा था, वो भी लाइन सप्लाई आ गया अपना, और चलो आपको दिखाते हैं इस घर पर लाइन आया कि नहीं। पूरा अंधेरा दिख रहा है, हम यहाँ पर डाइनिंग एरिया में आते हैं, तो आप देख सकते हो सभी वर्क हो रहा है, यहाँ पर फैन लाइट सब चल रहा है। उसके बाद हॉल पे आ जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हॉल का भी चालू हो गया, और एक और बोर्ड बचा है, तो सभी लाइट ऑन हो गया। उसके बाद रूम पे आते हैं यहाँ पर, रूम का लाइट भी आ रहा है, और गीजर का भी AC का भी पॉइंट आ रहा है, तो अब देख सकते हो
उसके बाद एक और दूसरा रूम है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर यहाँ का भी रूम में लाइट आ रहा है, इस रूम पे भी आ रहा है लाइट अपना, सब ओके। और बच गया खाली किचन, किचन एरिया में देखते हैं। किचन पे भी आ रहा है और ये फाइनल हो चुका। तो चलो अब एमसीबी बॉक्स की तरफ आ जा भाई, आ जा। अभी यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, नाम लिखेंगे जिस रूम का कहाँ का है, कौन सा कनेक्शन है। हम लोग को तो पता है एसी कहाँ है, गीजर कहाँ है, सब पता है, पर रूम का नाम लिखना है उसके हिसाब से अपने को। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एमसीबी बॉक्स पे हम लोग पूरा मार्किंग कर दिए, कौन सा रूम का कहाँ का एसी है और कौन सा गीजर है, पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है मेन लाइन का और यूपीएस आउटपुट का, ताकि अपने को घर वाले ना अपने को ढूंढे मत और सर्किट पता करना रहे तो उनको पता चल जाए। उसके लिए अपने को जो है स्क्रू लाना है, देखिए छोटा सा दो स्क्रू है और इसको जो है लेना है और ये हम लोग को चारों जगह पर लगाना है। तो चलो दोस्तों अभी हम आपको फिटिंग करते हैं और ये काफ़ी आसान है आपको पता है। फिर इसको जो सेटअप करने के लिए अपने को एमसीबी लोग हल्का सा प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में। देखिए ये पूरा फिक्स आएगा और एमसीबी बॉक्स का कॉर्नर जो है हल्का सा निकलना चाहिए, उस हिसाब से ये सेटअप होता है। देखिए चार स्क्रू लगाना है और बाकी जो जगह बच गया है ना वहाँ के लिए अपने को डमी रहता है, डमी को बैठा देना है। पर एक टर्मिनल दिया गया है, ये क्या काम आता है काफ़ी लोग इलेक्ट्रिशियन लोग पूछते हैं। तो आपको बता दूँ जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल बोर्ड को यहाँ पर छूने आएंगे तो ये मेटल का है, तो क्या होता है लीकेज करेंट रहेगा ना तो ये हल्का सा जो है अर्थिंग पे चले जाएगा, तो अपने को शॉक नहीं लगेगा। उसीलिए ये बॉडी के लिए अर्थिंग दिया गया है, इसको ज़रूर लगाना, बाकी सारा जो है भले छोड़ देना, इसको ज़रूर लगाना, ठीक है। तो चलो इसको लगा देते हैं अच्छे से। और तो हम लोग यहाँ पर पूरा करिए, यहाँ पर देख सकते हो ये अर्थिंग को ज़रूर देना है और ये इसका डेट है, इस डेट पे हम लोग काम किए ना, उस डेट पे लिख दिए। और ये आप देख सकते हो आर वाई और ये बी, तो ये हमारा मेन स्विच है, यहाँ पर देखिए मेन स्विच है और ये यूपीएस का आउटपुट है। तो ये सब भी कनेक्शन हो चुका और ये कवर लग गया। कवर लगने के बाद कैसा दिखता है आपको दिखा, तो इस तरीके से इंटरफेस आता है लगने के बाद, काफ़ी फिनिशिंग है आप देख सकते हो जो साइड का है। और ये कवर देखिए बाहर से काफ़ी सुंदर लग रहा है और ये बंद होने के बाद भी ना आपको बताते हैं यहाँ पर एमसीबी जो है आपको बाहर से दिखेगा, तो ये काफ़ी शानदार है। और ये देखिए किस तरीके से, तो हम एक काम और छोटा सा भूल गए हैं उसको भी पूरा कर लेते हैं यहाँ पर साइट में जो। तो आपको बताऊँ कंपनी का तीन ही डमी मिलता है एमसीबी का और हमारे को और कुछ भी डमी एक्स्ट्रा नहीं मिलता। तो एक और अशोका लाइट का था और ये पॉली कैप का डब्बा है, तो काफ़ी अलग लग रहा है, फिर कोई बात नहीं। और सभी एमसीबी को ऑन कर देते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि हम आपको पूरा पार्ट बाई पार्ट बताएँ किस तरीके से एक एक एमसीबी बॉक्स कैसे यहाँ पर बैठाया जाता है जो एसपीएन है, और कितने लोड देना चाहिए एसी के लिए। तो हम जो है सी कैटेगरी का यहाँ पर देखिए 25 एम्पियर का एसी के लिए दिए और गीजर के लिए 16, 10 के लिए रूम, और ये मेन सर्किट हमारा 63 एम्पियर और यूपीएस का आउटपुट 10 एम्पियर, ये फाइनल हो चुका। और ये यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसा था दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छे लगे दोस्तों चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, बंदा।